स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे हाइब्रिड प्लेटफॉर्म क्या है। जो इंट्रोडक्शन सीरीज चल रहा था उसका एक अगला पार्ट है हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म क्या होता है? मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म ये है जिसमें आपका एक नेटिव का कंपोनेंट रहेगा, नेटिव एप्लीकेशन का, उसके साथ एक वेब कंपोनेंट रहेगा। वो हो गया हाइब्रिड। सब कुछ ये आपका आउटर सेल है, आउटर सेल में ये आपका मोबाइल, ये हो गया आईफोन या फिर एंड्रॉइड। ये जो इनर पार्ट है सब कुछ ये है आपका वेब व्यू। ये जो पार्ट है ये आपका ब्राउजर आ गया, कोई भी ब्राउजर हो गया, ब्राउजर पेज जो आपका क्रोम हो या फिर जो भी है आपका जो पेजेस है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये आपका एचटीएमएल है। ये जो ये सेक्शन है ये आपका नेटिव कंपोनेंट है, नेटिव आईओएस हो या फिर एंड्रॉइड वो कंपोनेंट है, वेब भी हो और ये आपका ओएस। तो ये जो कॉम्बिनेशन ना ये है एक्चुअली हाइब्रिड, मीन्स आपको नेटिव के साथ वेब कंपोनेंट भी आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। आप बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन देखे होंगे, बहुत सारे जो मैं अगर एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे सपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन से एंड्रॉइड में, बहुत सारे हेल्प एप्लीकेशन से, बहुत सारे एफएक्यू एप्लीकेशन से, या फिर स्मॉल इंफॉर्मेशन लाइक डायग्नोस्टिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेसिक आपका कार्स कार का डिजाइन रिलेटेड हो या फिर कोई भी एग्जाम पेपर या फिर मॉक टेस्ट हो, वो इस तरह का एप्लीकेशन इजीली बन जाता है और इजीली उसको आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रोज और कॉन्स है वो हम देखेंगे इसके थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेकिन ओवरव्यू है आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन देख लेते क्या है, क्या कह रहा है। हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप कम्बाइंस एलिमेंट्स फॉर बोथ नेटिव एंड वेब। जैसे मैंने बोला था नेटिव आपका चला गया वेब व्यू और उसके भीतर जो कंपोनेंट यूज होता है वो ब्राउजर या एचटीएमएल पेजेस। ठीक है, एप्लीकेशन दैट क्रिएट ऐप दैट कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूजिंग सिंगल कोड बेस। दीज ऐप्स टिपिकल यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी लाइक एचटीएमएल पेज और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। मैंने बोला था जो आप एचटीएमएल पेजेस जावास्क्रिप्ट यूज करके आप वेब व्यू में डिस्प्ले कर रहे हो कंपोनेंट को। ठीक है, इन ए नेटिव कंटेनर, ये जो कंटेनर है ये आपका वेब व्यू है। ठीक है, अलाउंग टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रन ऑन ए मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइसेस लाइक नेटिव एप्लीकेशन। ओबियसली ठीक है, नेटिव एप्स में आप इस, क्योंकि आपका कंट्रोलर जो है ना वो नेटिव एप्लीकेशन से ले रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल और आपका जो एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट्स है वो जा रहा है वेब से रिलेटेड। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या है, वेब टेक्नोलॉजी, जैसे बेसिक उसका की कंपोनेंट्स ही वेब टेक्नोलॉजी कंप्लीटली एचटीएमएल। जैसे आपका आपका एग्जांपल रेस्पॉन्सिव डिजाइन है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या है, आप डिवाइस ओरिएंटेड डिवाइस स्पेसिफिक, वो जिस तरह का डिवाइस होगा उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्स करेगा। अगर आपका डिवाइस आईपैड है या फिर एंड्रॉइड का टैब है तो उसी हिसाब से डिस्प्ले होगा, या अगर आपका डिस्प्ले आईफोन सेफ है तो, या फिर एंड्रॉइड का मोबाइल स्मार्टफोन डिवाइस है उसी हिसाब, ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन है। ठीक है, उसी तरह आपका इसके थोड़ा सा अगर एडवांस में चले जाएंगे तो चला जाएगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली एक मिडिटरी
कंपोनेंट यूज करता है, दैट इज नेटिव कंपोनेंट्स, वेब व्यू हो या फिर जो उसका अदर कंपोनेंट्स है वेब व्यू से रिलेटेड, तो उसको यूज करके आप HTML पेजेस को डिस्प्ले करते हो या HTML का जो वेब कंपोनेंट्स डिस्प्ले करते हो। ठीक है, ये आपका नेटिव कंपोनेंट। ये नेटिव कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय मोबाइल एप्लीकेशंस आर iOS और एंड्रॉइड, ये दो नेटिव कंपोनेंट ये। इन हाइब्रिड एप्स द UI रेंडर्ड इनसाइड द वेब व्यू, मैंने क्या बोला, तो आपका जो कम्प्लीटली UI है वो आपका रेंडर किस में करेगा, इनसाइड द वेब व्यू, क्योंकि वेब व्यू आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आप एक पेज के अंदर क्या बना रहे हो क्या नहीं। सपोज ये एक रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, आप इसको सबमिट करें, ये पेज इसके अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है, और ये डिस्प्ले होगा किसके अंदर, नेटिव एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। और क्या कह रहा है, विच एप्स आज ए ब्राउजर एम्बेडेड विद इन द ऐप, दिस अलाउज वेब पेजेस एंड स्क्रिप्ट्स टू रन विद इन द ऐप गिविंग इट नेटिव लाइक अपीयरेंस। ओके, क्योंकि ये एक वेब बेस्ड आपका एप्लीकेशन जो भी आप वेब पेज से रिलेटेड, लेकिन आप बहुत सारे फीचर्स है जो आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसको मीन्स इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो जो फीचर्स अलाउड है आप उसको HTML पेजेस में डिस्प्ले करके आप उसको वेब व्यू में रेंडर करके डिस्प्ले करा सकते हो, वो आपका यूटिलाइज आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। फ्रेमवर्क्स और टूल्स क्या क्या, एक है आपका चिका कोर्डोवा, सब पॉपुलरली जो फ्रेमवर्क्स यूज करता है। इन हाइब्रिड क्या कह रहा है, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट कोर्डोवा प्रोवाइड्स टूल्स टू पैकेज वेब एप्लीकेशन इन टू नेटिव कंटेनर, इट ऑल्सो ऑफर्स प्लगइन्स एक्सेस टू नेटिव वेब फीचर लाइक कैमरा GPS और फाइल सिस्टम्स। ओके, तो ये तीन को अलाउ करता है, कैमरा GPS और फाइल सिस्टम्स, फाइल सिस्टम आपको फाइल स्टोरेज के लिए। और एक आयोनिक अनदर इज रिएक्ट नेटिव, जिससे मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला था मेरे प्रीवियस वीडियो में होगा जो क्रॉस प्लेटफॉर्म में, रिएक्ट नेटिव आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड दोनों में आता है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव खुद ही यूज करता है HTML CSS और JavaScript, ठीक है। ऑल्दो The often classified as a cross-platform tool, React Native allows for a blend of native or web technology with the JavaScript driving logic and native components handling UI, giving some hybrid characteristics. Okay. चलिए, अब ये plugins, native plugins में आपका जो यूटिलाइज होता है, हाइब्रिड एप्स कैन यूज प्लगइन्स टू एक्सेस नेटिव डिवाइसेस फीचर दैट आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल थ्रू वेब टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आपका वेब टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये नेटिव प्लगइन्स क्या करता है, इस वेब टेक्नोलॉजी को एनेबल करता है, इस सपोज ये आपका वेब है, आपका ब्राउजर है, जो भी है आपका HTML पेजेस है, तो ये जो टूल्स है और लाइब्रेरीज है ये इसको एनेबल करता है इस फीचर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। मीन्स आप इसको डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको इस टूल के थ्रू ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो नेटिव का फीचर है। कैमरा क्या, एक मोबाइल में मोबाइल का हार्डवेयर है कैमरा, लेकिन वेब में आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इस चीज़ को कैमरा को यूटिलाइज करने के लिए ये पहले नेटिव का फीचर कॉल करेगा, फिर जाकर आप उस कैमरा को यूटिलाइज कर सकते हो।
Hybrid apps can be developed using standard web development tools for testing requirements, emulators और real time. Yes, आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो, जितना एप्लीकेशन डेवलप कर, आप उसको नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजी के, वेब मीन्स ब्राउजर के थ्रू आप टेस्ट करते हो, क्योंकि वो सिंपल HTML, CSS, JavaScript का कंसेप्ट है. ठीक है, आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, उसको टेस्ट कर लो, लेकिन वो तो पेज का टेस्टिंग हुआ. लेकिन अगर आप उसको एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है, तो आपको एक रियल टाइम डिवाइस या फिर एम्यूलेटर में टेस्ट करना है, क्योंकि ये एक अनदर लेयर में एंट्री हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक क्या नाम उसका, वेब व्यू. ठीक है, वेब व्यू में वो रेंडरिंग करेगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, वेब व्यू कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, कुछ जावास्क्रिप्ट कॉल को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ हार्डवेयर फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है, कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को सपोर्ट नहीं करता है. उस केस में आपको ये चीज़ चेक करना ही पड़ेगा रियल टाइम डिवाइस पे, अदरवाइज वो एप्लीकेशन का फेल्यूर हो जाएगा. ओके, सिंपल डिप्लॉयमेंट है इसका, कि डिप्लॉयमेंट इसका नेटिव के हिसाब से ही डिप्लॉयमेंट सबका होता है, क्योंकि आपने इसको जो आपका UI पोर्शन है, आपने सब HTML, CSS और JavaScript में यूज किया है, लेकिन आपका जो कंट्रोलर यूज हुआ है, आपका नेटिव का ही यूज हुआ है. ठीक है, चाहे वो iOS हो या फिर Android का, फिर आपको उसको डिप्लॉयमेंट करें आप करोगे किस हिसाब से, iOS के और Android के हिसाब से. ठीक है, APK बनाओ या फिर AAB बनाओ या फिर IPA बनाओ. लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आपका कोड बेस सेम रहेगा, क्योंकि पेज तो सेम रहेगा दोनों के लिए, HTML पेज तो सेम रहेगा iOS के लिए भी और Android के लिए. एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म में iOS जो है आपका हाइब्रिड में, सॉरी क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको यूजिंग सिंगल कोड बेस, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म है. ठीक है, सिंगल कोड बेस है, और दोनों iOS और Android के लिए यूटिलाइज होता है, फास्टर डेवलपमेंट, बिकॉज आपका सिंगल एक डेवलपमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंगल एक डेवलपमेंट में ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सिंगल कोड बेस है. ठीक है, और आप शेयरेबल कोड बेस आप जिसको कह सकते हो. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज आपका एक कोड बेस तो कैंसिल हो गया ना, एंड्रॉइड में, iOS में, और iOS में और एंड्रॉइड में, अगर एंड्रॉइड में होता तो आपका ये कोड बेस प्लस वन होता और ये एक प्लस वन होगा, तो इसका टाइम भी प्लस वन होता, इसका टाइम भी प्लस वन होता. ठीक है, और इसका कॉस्ट भी प्लस वन, इसका कॉस्ट भी प्लस वन होता, तो कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाता. लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका कोड बेस सेम रह जाएगा. ठीक है, आपका ये दोनों मिलके सिंपल प्लस वन प्लस वन प्लस वन बस, और ये डिस्कार्ड हो जाएगा. तो ओबियसली कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फास्टर डेवलपमेंट बिकॉज आपका आधा टाइम बच रहा है. ठीक है, एक्सेस टू नेटिव फीचर्स भी इसमें, क्योंकि कुछ फीचर्स अब अलाउ करता है, सारा फीचर्स अलाउ नहीं करता, कुछ फीचर्स अलाउ, कैमरा हो गया और GPS हो गया, कुछ बेसिक फीचर्स वो अलाउ करते हैं. ठीक है, इजियर मेंटेनेंस, क्योंकि सिंगल कोड बेस है, आपका HTML है, CSS है, जावा, जिसको HTML बेस आइडिया होगा वेब पेजेस बनाने का, वो इजीली उसको मेंटेन कर पाएगा. डिसएडवांटेज, सबसे मेजर डिसएडवांटेज उसका परफॉर्मेंस में और मेंटेनेंस इसका, और UI एक्सपीरियंस, तो आप सिंपल UI एक्सपीरियंस मान के चलिए, इसका आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ रेस्ट्रिक्टेड है इसका UI में. ठीक है, बिकॉज हाइब्रिड ऐप्स रन विद इन ए वेब व्यू, तो वेब व्यू का जो भी आपका फीचर्स रहेगा, उसी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही आपका सारा फंक्शनलिटी चलेगा, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस, व्हाइल हाइब्रिड एप्स कैन मिमिक लुक एंड फील ऑफ द नेटिव एप्लीकेशन,
ये जितना भी नेटिव एप्लीकेशन का लुक एंड फील देते हैं, लेकिन रहेगा तो वेब एप्लीकेशन ना। एक अगर मैं आपको एक विंडोज या डेस्कटॉप फॉर्म दे दूँ और एक विंडोज वेब फॉर्म दे दूँ, तो दोनों में आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा एक बेटर लुक। ठीक है, वेब अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ, वेब का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है और विंडोज का कलर कॉम्बिनेशन। विंडोज में कलर कॉम्बिनेशन वेब के मुकाबले कुछ ज़्यादा हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑन प्लगइन्स, यस ये तो मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये कुछ नेटिव फीचर्स को एक्सेस करने के लिए इसका प्लगइन्स पे डिपेंडेंसी बहुत है। अगर कुछ प्लगइन्स में अगर कुछ चेंजेस हो गया तो आपका मेंटेनेंस भी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज iOS का कुछ प्लगइन्स में हार्डवेयर प्लगइन्स में चेंजेस हो गया या फिर एंड्रॉइड में आपको कुछ चेंजेस हो गया तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, चैलेंज विथ अपडेट्स, इफ द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म अपडेट्स लाइक न्यू वर्जन ऑफ iOS, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था iOS एंड्रॉइड में कुछ भी अगर अपडेट हुआ तो इस केस में आपको इश्यू हो सकता है वेब व्यू में। ठीक है, वेब व्यू में अगर पहले हम लोग यूज करते थे UI वेब व्यू, ठीक है, फिर आ गया वेब किट आ गया। ठीक है, तो ये डिफर करता है। ठीक है, और एंड्रॉइड में भी उसी तरह के अपडेट्स आता रहता है बहुत, तो हर एक जो V7 V6 वर्जन के हिसाब से तो वो API अपडेट होगा तो इम्पैक्ट करेगा इसका लुक एंड फील और UI में, तो आपको उसी हिसाब से चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, यूज केसेस, मोस्ट ऑफ द यूज केसेस कहाँ है, मैं अगर रियल टाइम में अगर यूटिलाइजेशन इसका कहाँ मैं अगर देख रहा हूँ, जैसे FAQ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, कार सर्विसेज हो गया और बेसिक इंफॉर्मेशन जहाँ प्राप्त, जैसे डॉक्टर हेल्पलाइन हो गया या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गया, आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह का एप्लीकेशन आप मोस्टली हाइब्रिड एप्लीकेशन ही देखोगे आप। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फंक्शनलिटी ना हो, जो लेस फंक्शनलिटी होगा। ठीक है, तो ये है आपका ओवरव्यू ऑफ हाइब्रिड एप्लीकेशंस, होप कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।